आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों कि एक धारावाही लूप की त्रिज्या आर है तथा इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इस लूप को वाई जेड सतह के समांतर सतह में रखा जाए तो लूप के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है क्या होगा? ये विकल्प है बच्चों आपके पास में, ये हमारे पास में अ ब है ना, इसके साथ में ये दिया गया है स और ये दिया गया है द। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम सबसे पहले एक्सिस बता देते हैं आपको कि जो हमारे पास में एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से, ये हमारी एक्स हो गई है ना, ये वाली हमारी बच्चों वाई हो गई, ठीक है, और जेड किधर हो जाएगी, जेड हो जाएगी हमारी इधर की तरफ, ठीक है। यानी कि जो कुंडली है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये है बच्चों केंद्र, और ये वाली जो दिशा है मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ, यहाँ से ये ऐसे करके, ये एक्स दिशा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, और जो इसकी त्रिज्या है वो है हमारे पास में आर, ठीक, और जो इसके अंदर धारा बह रही है वो कुछ इस तरीके से बह रही है, ठीक है बेटा, ये ऐसे करके, ओके, यहां से, ठीक, इस तरीके से। अब हमने यहां से इसके केंद्र से किसी भी एक्स दूरी पर, जैसा कि सवाल में दिया गया है ये वाला हमें एक्स मानना है, तो ये एक्स दूरी पर हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग दो अल्पांश यहाँ पर लेते हैं और एक यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर जो है दोनों अल्पांशों के कारण जो डीबी आती है, ध्यान से देखिए, इस वाले के कारण जो डीबी आएगी वो कुछ इधर की दिशा में आ जाएगी, इसके लंबवत, ठीक है, ये हो गया मेरे पास में डीबी वेक्टर, और इसके कारण जो आएगी वो आ जाएगी मेरे पास में इधर की तरफ में, जो हो जाएगी मेरे पास में डीबी वेक्टर, ठीक है। अब इन डीबी के जो मान है बच्चों, अगर ये थीटा है तो मैं इसके दो घटक कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा, और इधर की तरफ में अगर मैं इसके भी करूंगा तो ये भी डीबी कॉस थीटा, ठीक है, और इधर की तरफ में ये आ जाएगा डीबी साइन थीटा, और इसका भी कितना हो जाएगा, डीबी साइन थीटा। तो सीधा सीधा इसका हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, अवकलन कर देंगे 2dB sin थीटा का, ठीक है, तो सॉरी समाकलन, तो हमें पूरी की पूरी इसके कारण यहाँ पर पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो बी नेट आता है बच्चों हमारे पास में, वो बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास में म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, क्योंकि आई इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही थी, और बटे में आ जाता है मेरे पास में दो है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर की घात 3/2। अगर हम लोग इसकी दिशा बताएं तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसके जो ये बी कोस थीटा हरेक के कारण, जो इस वाले के कारण जो लगेगा उसमें बी कोस थीटा वाला कंपोनेंट कट जाएगा, केवल इस दिशा वाला बचेगा, यानी कि ये किस दिशा में है बच्चों, आई के दिशा में है, तो ये बचेगा आई के दिशा में। सही जवाब हमारा कौन सा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2x² + r² 3/2 आई के, सब हमारा सही है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।